हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम में स्वागत है। तो आप सभी जुड़ना शुरू करें जिससे कि मैं अपना टॉपिक आगे बढ़ा सकूं, कल जो मैंने पढ़ाया था उससे आगे मैं बढ़ा सकूं। तो चलिए भाई, जल्दी से आप सभी जुड़ना शुरू करें। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट करिए भाई, जुड़िए और कमेंट करिए। हाय हाय रिप्लाई कर दीजिए आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, इस समय आप लोग को अपना जो है ख्याल रखने की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है, आपको क्या हम सभी को। ठीक है, तो भाई जल्दी से आप सभी जुड़िए। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे का टॉपिक, मतलब कल जो मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था, स्टमक तक मैंने आपको कल कंप्लीट कराया था। ठीक है भैया, मैंने स्टमक तक आपको कंप्लीट करा दिया था। तो आज मैं जो शुरू करूँगा, स्टमक के बाद का पोर्शन शुरू करूँगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू करूँगा। तो कल वाले टॉपिक में जिसे भी, कल वाले सेशन में जिसे भी कोई भी डाउट हुआ हो तो वो कमेंट कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं आगे वो टॉपिक शुरू करूँगा। ठीक है, तो जुड़िए भाई, बहुत सही, जुड़ते रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। ठीक है, इसमें आपको यूपी के सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है, यूपी के जितने भी एग्ज़ाम है उन सब की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीएससी हो, यूपी पीएससी का मतलब बीईओ हो, आरओ आरओ हो, पीसीएस हो, इन सबका आपको तैयारी इस यूपी एग्ज़ाम में कराया जाता है। ठीक है, तो जुड़ते रहिए, मैं आगे तब तक पढ़ा रहा हूँ, आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जुड़ते रहिए आप सभी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मेरा नाम है सुशांत रंजन पांडे और मेरी पिक आप देख ही रहे हो, सामने तो वीडियो चल ही रहा है तो आप सभी मुझे देख ही रहे हैं। तो और मैंने केमिस्ट्री से क्या किया है, एमएससी किया हुआ है और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा का है और मैंने प्री और मेंस लेवल पे कई एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं, मतलब निकाले हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट हो तो भाई कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए मैंने भी बताया किस किसकी किसकी तैयारी कराई जाती है। इसमें आपको तैयारी कराई जाती है यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, और भी जो लेखपाल ये एग्ज़ाम में सब तो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आएंगे, तो आपकी इन दोनों की यहाँ पे तैयारी कराई जाती है यूपी एग्ज़ाम में। ठीक है, या ये सभी मैंने आपको बता दिया था, आप सभी देख भी रहे हैं, डेली लाइव क्लास है आपकी, फिर क्विजेज होंगे, कोर्सेज जो हैं बहुत ही उस हिसाब से बनाए जाते हैं जैसा कि आपके पेपर में आता हो। ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन की, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही आपको जो है इसमें स्ट्रक्चर में दिया जाता है। अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब आप अगर यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आप जितने भी टीचर्स हैं आप सबका वीडियोस देख सकते हैं, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, जितने भी टीचर हैं, मेरे अलावा और भी टीचर, बहुत सारे टीचर हैं, तो आप सबका वीडियोस वहाँ पे देख सकते हैं, मतलब सबका अनलिमिटेड एक्सेस है आपका, कोई भी रोक टोक आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, कोई भी रोक टोक नहीं है। ठीक है, ये कोर्सेज हमारे समय समय पर स्टार्ट होते रहते हैं, तो आप सभी सब्सक्रिप्शन इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो अब रजिस्टर आप सभी को देख लीजिए कैसे रजिस्टर करते हैं अनएकेडमी पे और सब्सक्रिप्शन लेते कैसे हैं। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या करिए, सीधे जाइए प्ले स्टोर में, एंड्रॉयड फ़ोन में किसी भी प्ले स्टोर में जाइए, अनएकेडमी लर्निंग ऐप में जाइए, यहाँ से इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद साइन अप करिए, साइन अप जब आप करेंगे तो अगर सब्सक्रिप्शन आपको जब भी लेना है तो आप सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 month, 3 month, 6 month, 12 month और 24 month। यहाँ आपको इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप ये सुशांत 01 कोड आप लगाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सुशांत 01 कोड अगर आप ये लगाएंगे तो आपको इमीडिएट 10% का डिस्काउंट दे दिया जाता है। ठीक है भाई, इमीडिएट 10% का डिस्काउंट आपको दे दिया जाता है। आपको जो फ़ायदा है कोर्स में, जो अच्छा है आप सभी के लिए, वो 12 month और 24 month का कोर्स होता है। अगर आप 7000 में लेते हैं तो ये देखिए आपको 10% डिस्काउंट से 6300 पड़ता है। अगर आप 8400 का कोर्स लेते हैं तो आपको ये 7560 पड़ता है। तो आप सभी ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ज़्यादा समय का लेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन ये कोड डालना मत भूलिएगा, इससे आपको क्या होगा, 10% डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये सभी आप देख रहे थे, कल मैंने क्या पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, पाचन तंत्र। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, मैं रिवाइज यहीं पे आपको सामने ही सब कर देता हूँ। देखिए भाई,
क्या हुआ, हमने भोजन जो है यहाँ से किया, ठीक है, अब ये क्या हुआ हमारे माउथ में, क्या हुआ, स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, ये मैंने बताया था, किस एंजाइम के थ्रू, टाइलीन होता है, टाइलीन, टाइलीन, उसके बाद क्या था, माल्टेज, ये हमारे माउथ में मिला, ठीक है। अब ये क्या है कि ये अंदर गया, ठीक है, एसोफेगस होते हुआ, मैंने बताया था कि एसोफेगस से जब वो होते होते ऐसे ऐसे जाता है, तो जो मूवमेंट होता है, जो ये मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को मैंने क्या बताया था, पेरिस्टाल्सिस बताया था, ठीक है, रिवाइज कर लीजिए भाई आप लोग। और जो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको क्या कहते हैं, डी ग्लूटेशन, इसको डी ग्लूटेशन कहते हैं, तो ये सभी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस और डी ग्लूटेशन। अब ये स्टमक में गया, स्टमक में मैंने क्या बताया था, दो दो एंजाइम कौन से, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है, ये सोते सोते भी आप याद कर सकते हैं, सोते रहिए कि मैंने खाया खाया तो कैसे कैसे प्रोसेस वो हुआ, ठीक है, पेप्सिन और रेनिन। अब पेप्सिन और रेनिन में देखिए क्या है, रेनिन तो मैंने बताया था कि जो मिल्क प्रोटीन होता है कैसिनोजन को कैसिन में कन्वर्ट करता है, और ठीक है, उसी तरह पेप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है भैया। ये कब ये एक्टिवेट कब होगा, जब यहाँ से HCl जब स्टमक रिलीज करेगा, जो कि कहाँ से होता है, हमारे ऑक्सेंटिक सेल से होता है HCl रिलीज, ये याद करना है आपको, ऑक्सेंटिक सेल से HCl रिलीज हो, जब ये रिलीज होगा तब जाके ये पेप्सिन और रेनिन क्या होगा, एक्टिवेट होता है, ये आपको यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे बताना था स्टमक के बाद ये शुरू हुआ हमारा प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी देखिए, ये सारी चीज़ें हो गई थी, ये भी हो गया था आपका, ठीक है, ये भी हो गया था, जहाँ पे आपको हो जरूरत समझ में आई आप स्क्रीनशॉट वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, ये कि यहाँ पे है, ठीक है भैया। बताओ बच्चों, किसी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, ठीक है, ये सभी हो गया था, एलिमेंट्री कैनाल मैंने बता दिया था, गैस्ट्रिक जूस क्या है, दो एंजाइम रिलीज करता है मैंने बताया था, ठीक है, पेप्सिन और रेनिन। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आती है, जैसा कि अब यहाँ से मुझे आज पढ़ाना था, ठीक है, तो पिछला मुझे उम्मीद है कि आप सभी का डाउट क्लियर होगा, जिसका डाउट क्लियर नहीं है फिर से कह रहा हूँ कमेंट करके आप पूछ लीजिए, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के देखिए भाई दो काम है, पहला काम देखिए क्या है, सामने आपके दिख रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण, ठीक है भैया, मतलब एब्जॉर्ब करना। दूसरा क्या काम है, फाइनल डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन मतलब अंतिम पाचन, जिसे कहते हैं अंतिम पाचन, ठीक है। अब आपको दो चीज़ याद देखिए, इसीलिए मैंने बताया कि आपको याद हो जाए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ये होता है विली द्वारा, ठीक है, और दूसरा फाइनल डाइजेशन मतलब अंतिम पाचन, मैक्सिमम इन डियोडेनम, ड्यूडेनम होता भी मैं आगे बताऊंगा, बस आप इतना ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आया भी हुआ है कि फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, ठीक है, मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम पार्ट फाइनल डाइजेशन का होता है ड्यूडेनम, आप फोन में दे देगा ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम, ठीक है, या पेनक्रियास कहीं दे देगा, ठीक है, आपको क्या करना है, ड्यूडेनम यहाँ पे क्लिक करना है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मतलब जो है एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, विली में हुआ, ठीक है भैया, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ, विली में हुआ, और मैक्सिमम इन ड्यूडेनम क्या होता है, फाइनल डाइजेशन। अब मैं आगे इसको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ये आपको घबराइए मत, देखिए यहाँ पे क्या है, आप देखिए सामने आ, देखिए ये, देखिए भैया ये हमारा आया क्या, एसोफेगस वाला लाइन ही आ रहा है, आके देखिए कहाँ, ये स्टमक आ गया, स्टमक मैंने बताया था ऑक्सेंटिक सेल होती है, स्टमक को जैसे डाइसेक्शन किया था तो मैंने बताया था ना, ऐसे 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 कटा रहता है, ऐसे इसके अंदर ये है, तो बाहर वाला एपिथेलियल बताया था, अंदर वाला मैंने ऑक्सेंटिक बताया था, ठीक है। अब क्या स्टमक, स्टमक में देखिए मैंने बताया था क्या, पेप्सिन और रेनिन, एकदम आपको मैं रटवा दूंगा, एग्जाम में आएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 सेकंड लगेंगे ऑप्शन को टिक करने में, वो भी सही, गलत नहीं, सही, ठीक है, तो आप देखते रहिए बस, कोई कहीं नहीं जाएगा, बना रहेगा, वीडियो देखेगा, ठीक है। अब देखिए स्टमक के बाद क्या हुआ, ये आपका जो पार्ट आया स्टमक के बाद, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन आता है ना भाई, देखिए यही तो है, तो सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है, डुओडेनम, उसके बाद देखिए क्या है, जेजुनम, और फिर होता है इलियम। अब इलियम के बाद देखिए क्या चालू हो गया आपका, इलियम के बाद चालू हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, तो आपको ध्यान बस इतना देना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 से कौन पार्ट है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, डुओडेनम, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फाइनल डाइजेशन यही होता है, ठीक है, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है,
तो इलियम के बाद देखिए कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन चालू हो जाता है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, जिसको भी कोई डाउट हो तो आप भाई मैसेज करिएगा, कमेंट करते रहिए, ठीक है। और देखिए मैं बताता हूँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है, सिंपली मैं रफ बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे पैक है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, विली है, इस पर अभी क्या है, ये ऐसे बंद है। जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ है, ठीक है, मेरा ये हाथ है ऐसे बंद है, ठीक है, तो अभी क्या है, अभी एब्जॉर्प्शन कम होगा, ये हाथ मेरे तो बंद है विली है ना, तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए ये मैंने अपनी उंगलियां जो है खोल दिया, जब उंगलियां मैंने, अब देखिए ऐसे था, मैंने क्या किया ऐसे ओपन कर दिया, तो उंगलियां क्या हुई, खुल गई। तो भाई जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन भी तो बढ़ेगा, तो यही यहाँ बात हो रही है, इसको बस आप याद रखिए। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया में क्या हो रही है, आपकी इंक्रीजमेंट हो जा रही है, यही आपको यहाँ ध्यान देना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन विली के थ्रू कैसे होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये आपकी मुट्ठियाँ हैं बंद है जो कि ऐसे, ये आपके खुल गई ऐसे, ठीक है। तो बस आपको ये छोटी सी चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है। आगे बढ़ूँ मैं, कमेंट करिए भैया, तो मैं फिर आगे बढ़ूँ, आइए कमेंट करिए, जहाँ डाउट हो तुरंत पूछिएगा, जहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना जरूरी समझे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अब आती है फाइनल डाइजेशन की बात, अंतिम पाचन, ठीक है, जो अंतिम पाचन हमारा हो रहा है, अब उसकी बात आती है, ठीक है, अंतिम पाचन। तो दो ऑर्गन हमारे बहुत एक्टिव होते हैं अंतिम पाचन में, ये आपको ध्यान देना है, टू ऑर्गन्स आर मोर एक्टिव, ठीक है, यही ऑर्गन्स आपके ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते ही हैं। पहला क्या है, लीवर है, दूसरा क्या है, पैनक्रियाज है। लीवर मतलब आपको पता है यकृत होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिगर भी कहते हैं, ठीक है। तो जिगर मतलब दिल नहीं होता है भाई, जिगर मतलब लीवर होता है, ठीक है, ये ध्यान देना, यकृत या जिगर। पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय। तो ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है, टू ऑर्गन्स आर मोर एक्टिव, पहला क्या है लीवर, दूसरा पैनक्रियाज। लीवर मतलब यकृत, जिगर, और दूसरा पैनक्रियाज, ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है आप लोग को। चलिए अभी आप सभी यहाँ देख समझ गए होंगे कि लीवर भाई होता कहाँ है, ठीक है, मैं एकदम आप लोगों के अनुरूप ही बनाया हूँ कि आप लोग को समझ में आए चीज़ें। पहली चीज़, लीवर क्या सिक्रेट करता है भैया, रिलीज क्या करता है, बाइल जूस आप सभी जानते हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कि लीवर इनमें से कौन सा रस निकालता है, या बाइल जूस कौन सा अंग हमारे शरीर का निकालता है, ठीक है। तो आप बाइल जूस कौन सा अंग निकालता है, तो आप लगाएंगे क्या, लीवर लगाएंगे, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इजी है ये समझना कि बाइल जूस लीवर आपका रिलीज करता है। इसमें देखिए साल्ट क्या कहता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, ग्लाइकोलेट, ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है। वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आपको बस ये इंपॉर्टेंट है कि बाइल जूस कौन रिलीज करता है, तो लीवर, ठीक है। और जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है, बिलीरुबिन या बिलुअर्डिन फॉस्फोलिपिड, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी। तो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है, बिलीरुबिन। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिलुअर्डिन भी होता है लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं आपके, बिलीरुबिन वो भैया देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिलीरुबिन जो है यही जब बढ़ जाता है तो हमको एक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी होती है, वो बीमारी होती है हमारी जॉन्डिस होती है, ये ध्यान देना भैया आप लोग, ठीक है, ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जॉन्डिस। पिगमेंट क्या होता है, बिलीरुबिन, जिसका इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन यहाँ से ये बनते हैं कि पहली बात तो किसकी अधिकता के कारण जॉन्डिस होता है, तो बिलीरुबिन आपका जब बढ़ जाता है तो जॉन्डिस होता है,
और किस ये किस जो है हमारे ऑर्गन जब सही से काम नहीं करते तो जॉन्डिस होता है, तो भी आप क्या लगा देंगे, तब आप लीवर लगा देंगे, और पिगमेंट पूछेगा तो बिलूरबिन लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में आपको बिलूवर्डिन भी देगा, ठीक है। तो बिलूरबिन आप दिमाग में बैठा लीजिए, मैंने इतनी बार बोल दिया कि आपको तो बैठ गया होगा दिमाग में, ठीक है। बिलूरबिन जो कि आपको जॉन्डिस, ठीक है भैया, जॉन्डिस। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या काम होता है, जब ये बाइल जूस जब ये जाता है, ठीक है, जब जाता है ये हमारा कहाँ गया, सीधे सीधे भैया सीधे इंटेस्टाइन में हमारे पहुँच रहा है ये, ठीक है। बिलूरबिन निकल रहा है, इंटेस्टाइन में पहुँच रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये फैट है, ठीक है, फैट ये बना हुआ है, अब इसको क्या करेगा, ऐसे ऐसे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या करेगा, इमल्सिफाई करने लगेगा, तोड़ने लगेगा छोटे छोटे हिस्सों में। तो यही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, क्या काम है किसका, बाइल जूस क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। पायसीकरण इसे कहते हैं, पायसीकरण, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब एक एंजाइम, एक हार्मोन, हार्मोन आपको याद रखना है, कोले सिस्टोकाइनिन हार्मोन, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। कोले सिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, ये एक्टिव करता है किसको, गॉल ब्लैडर को, एंड ऑल्सो इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। मतलब बाइल जूस तो निकल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन एक हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन, ये देखिए आपको भैया, कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो आपको लेवल जो है बाइल जूस सिक्रेशन का वो बढ़ा देता है, और गॉल ब्लेडर को एक्टिव कर देता है, ठीक है। अब यहाँ छोटी सी चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आपका क्या है कि बाइल जूस हमारा निकला लीवर से, यहाँ ध्यान देना, बाइल जूस हमारा लीवर से निकला, अब जब ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, जब ये एक्सेस हो गया तो ये स्टोर कहाँ होगा, क्या कोई बता सकता है, बताइए, जब ये एक्सेस हो जाएगा तो स्टोर कहाँ होगा, ये आप कोई बता दीजिए मुझे, बताइए, ठीक है, तो बताते रहिए आप सभी। बाइल जूस एक्सेस जो निकला वो स्टोर कहाँ हो रहा है, तो भैया ये गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर में हमारे जाके स्टोर होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और आप ध्यान दीजिए, जो लीवर से, जो देखिए लीवर से क्या निकला, लीवर से जो बाइल जूस निकला वो कहाँ जा रहा है, स्टोर हो रहा है हमारे गॉल ब्लैडर में जो एक्सेस हुआ। और एक चीज, जो हम ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, जो हम ग्लूकोज ले रहे हैं, जब वो ज्यादा हो जाता है तो वो ग्लाइकोजेन में जाता है। अब ग्लाइकोजेन कहाँ स्टोर हो रहा है, वो जाके लीवर में होता है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ग्लूकोज जब एक्सेस हो जाएगा ग्लाइकोजेन बनेगा, ग्लाइकोजेन कहाँ स्टोर होगा, लीवर में स्टोर होगा, ठीक है। और बाइल जूस जब एक्सेस निकलेगा लीवर से तो स्टोर कहाँ होगा, गॉल ब्लेडर में। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान देनी, एक लीवर यहाँ पे, एक गॉल ब्लेडर, दोनों का रिलेशन आप याद रख लीजिएगा, रिवाइज करिएगा, आपको याद हो जाएगा, 100% गारंटीड मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। इस पर मैं आपको MCQs भी कराऊंगा, MCQs मैं आपको कराऊंगा जब मैं स्पेशल पे आपकी क्लास लेके आऊंगा, ठीक है, अनएकेडमी पे आपकी क्लास जब मैं लेके आऊंगा तो पूरा MCQs मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, सब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जोग्राफी सब लेकर आऊँगा, आपके BEO, उसके बाद आपका जो RO ARO है, फिर PCS है, और UP के जितने भी एग्जाम है, सभी को देख कर उसके अनुरूप ही मैं आपका पेपर ये बनाया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ भी आप सभी जुड़ना न भूले। अब अभी देखिए, ये मैं सब आपका डाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ये लीवर का डाइजेशन में कहाँ मदद हुआ और पेनक्रियास का कहाँ हुआ, ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, पेनक्रियाज रिलीज पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, पेनक्रियास क्या रिलीज कर रहा है बताइए भैया, पेनक्रियास क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक, अभी मैं वो भी बताऊंगा कि पेनक्रियाटिक जो जूस होता है, ठीक है, जो भी वो बताऊंगा, पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो आपका
क्या क्या कौन से एंजाइम मिले होते हैं वो सब बताऊंगा मैं आपको, उसके लिए आप घबराइए मत, मैं पूरा बनाया हूँ आपके लिए कि आपको सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। अभी बताइए, पेनक्रियाज रिलीज पेनक्रियाटिक जूस, ये आपको ध्यान देना है, पेनक्रियाज रिलीज पेनक्रियाटिक जूस, बस आपको यह दिमाग रहे। जैसे भाई लीवर क्या रिलीज करा था, बाइल जूस, पेनक्रियाज रिलीज पेनक्रियाटिक जूस। अब देखिए ड्यूडेनम सिक्रेट हार्मोन, ड्यूडेनम एक हार्मोन सिक्रेट करता है जो कि क्या करता है, यहां देखिए, विच इंक्रीजेस द लेवल ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस के लेवल को कौन बढ़ाता है, जो लीवर से वो जो निकलता है क्या, कोलेसिस्टो काइनिन, बट जो पेनक्रियाटिक जूस के लेवल को इंक्रीज करता है उसे क्या कहते हैं हम, सेक्रेटिन हार्मोन। यहाँ आप ध्यान दीजिए, सेक्रेटिन हार्मोन ये इम्पॉर्टेंट है, ये ड्यूडेनम सिक्रेट करता है एक हार्मोन सेक्रेटिन हार्मोन जो कि पेनक्रियाटिक जूस के लेवल को बढ़ा देता है, बस आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस देखिए क्या करता है, ये मदद करता है कंप्लीट डाइजेशन में, मैं अभी ये भी बताऊंगा कि कैसे ये कंप्लीट डाइजेशन में मदद करता है, आगे मैं बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ से क्या क्या याद रखने हैं, पेनक्रियास क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस, ड्यूडेनम सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है सेक्रेटिन जो कि पेनक्रियाटिक जूस के लेवल को बढ़ा देता है, और पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, हेल्प्स इन कंप्लीट डाइजेशन, ये कंप्लीट डाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है, कैसे करता मैं आगे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए ये आप दो चीज़ ध्यान दीजिए, पहले पेनक्रियाज होता कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि पेनक्रियाज होता कहाँ है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पेनक्रियाज कहाँ है, आपका देखिए सामने ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। ये सभी आप देख रहे हैं कि ये देखिए हमारा स्टमक है, ये जो लाइनिंग है ये देखिए स्टमक है, इसके पास में देखिए एक ये बना हुआ है, ये देखिए आपका पेनक्रियाज है, जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, लीवर है, ये स्टमक है। अब स्टमक के पास ही मतलब ये लीवर यहाँ पे है, उसके बगल में नीचे छोटा सा ये गॉल ब्लैडर है, और ये लीवर के ऊपर में ही एक हल्का सा छोटा सा पार्ट है, ये आपका क्या है, पेनक्रियाज है आपका, ठीक है। ये आपका पूरा पेनक्रियाज है, ठीक है। तो पेनक्रियाज आपका क्या करता है, ये ड्यूडेनम जो है रिलीज करता है सेक्रेटिन हार्मोन जो कि पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस का लेवल बढ़ा देता है, ठीक है। तो आपको यही ध्यान देना है पेनक्रियास, अभी मैं ये डाइजेशन में सिर्फ बता रहा हूँ कि ये क्या करता है पेनक्रियास, फिर मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा लीवर के बारे में और पेनक्रियास के बारे में, ठीक है। अभी मैं आप यहाँ पे डाइजेशन में कैसे वो हेल्प कर रहा है बस मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपका यहाँ पे इसका लोकेशन है। अब यहाँ आते हैं पेनक्रियाटिक जूस पे, पेनक्रियाटिक जूस आप सभी को पता है कौन रिलीज कर रहा है भैया, कौन रिलीज कर रहा है, पेनक्रियाज रिलीज कर रहा क्या, पेनक्रियाटिक जूस। तो यहाँ आप सभी को अब तो याद हो गया होगा भाई, याद हो गया होगा कौन क्या क्या हार्मोन है, देखिए ये ठीक है। पहला एंजाइम कौन सा है, ये एंजाइम है, हार्मोन नहीं है, हार्मोनो ग्लैंड में मैं बताऊंगा क्या क्या अंतर होता है, ठीक है। पेनक्रियाज क्या कर रहा है, तीन एंजाइम निकाल रहा है, एमाइलेज सब याद करा दूंगा आपको भी, देखिए कैसे, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये तीन आपके हर एंजाइम है, ठीक है। पहला देखिए एमाइलेज क्या करता है भैया, एमी मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। मैंने ये देखा था मुंह में तो पाचन हो जा रहा है लेकिन फिर भी अगर कुछ बच जा रहा है तो हमारे जाके पेनक्रियास के थ्रू जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा ड्यूडेनम में तो वहाँ सब पच जाएगा जो भी हमारे इससे संबंधित है, जैसे एमीलेज, एमीलेज क्या करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में। लाइपेस क्या करेगा, फैट का पाचन करेगा, ठीक है, बाइल जूस तो वहाँ कर ही रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, फैट का पाचन क्या करेगा, लाइपेस करेगा, लाइपेस मतलब ये हो गया लिपिड, लिपिड क्या करेगा आपका, फैट का पाचन करेगा। अब ये बचा ट्रिप्सिन, तो मैंने बताया था जहाँ आईएन हो बस वो याद रख लीजिए, प्रोटीन से ही संबंधित रहता है, तो ट्रिप्सिन क्या करेगा आपका, प्रोटीन का पाचन करेगा, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पेनक्रियास क्या करेगा, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, ठीक है।
पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, जैसे पहला एमाइलेज जो कि किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, एमी मतलब कार्बो, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, पेनक्रियाटिक जूस फिर का रिलीज कर रहा, लाइपेज, लाइपेज किसका पाचन करेगा, फैट्स का, लाइप मतलब ये लिपिड से याद कर लीजिए, लिपिड माने फैट, ट्रिप्सिन यहाँ से याद करिए, आई है नतीय प्रोटीन का पाचन करेगा, ये एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, तो किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया कमेंट करिए, बच्चों कमेंट करिए, भाइयों कमेंट करिए, ठीक है, जिसको कहीं भी कोई दिक्कत हो अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया कमेंट करिए, बताइए। बताइए भाई, वैसे मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोग को, क्योंकि ये बहुत ही मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि भूलेगा आदमी तो भी याद आ जाएगा सामने उसके पढ़ेगा तो, ठीक है। पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस जिसपे तीन तीन जो है हार्मो वो तीन जो है एंजाइम निकल रहे हैं, एमाइलेज लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज फैट, ट्रिप्सिन प्रोटीन, ये तीनों चीज आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भैया, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है ये, अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्या कहते हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है, पाचन तंत्र से, तो ये 100% ये आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक यही होता है, कौन सा एंजाइम किसका पाचन कर रहा है, ये सबसे कंफ्यूजिंग होता है और ये आता ही आता है, तो आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, याद करने तरह, एमी मतलब कार्बो, लिपिड मतलब फैट, ट्रिप्सी मतलब यहाँ आयन ले लीजिए, प्रोटीन आपको सिंपली याद हो, जैसे पेप्सिन और एनिन क्या है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, क्योंकि आयन आयन है, प्रोटीन में भी आयन है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, आपको याद करना, आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। अब देखिए आते हैं किस पे, हम अभी लीवर के बारे में भी चर्चा आपसे करेंगे, तो यहाँ पहले समझ लीजिए कुछ, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, दो ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडो मतलब आप ऐसे याद कर लीजिए, एंडो मतलब ये ऐसे याद दिमाग में बैठा लीजिए, अंदर वाला है ऐसे, एक्सो मतलब बाहर वाला, ऐसे याद कर लीजिए बस। अब देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, लीवर है, ठीक है, यहाँ आपको याद क्या करना है, ये यूपी SSSC में पूछा जाता है, वेट, वेट क्या है, 1.5 किलो से लेकर 2.5 किलो, मतलब 1.5 kg to 2.5 kg, ये आपको यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है, अभी मैं इसको बताऊंगा, एंडोक्राइन ग्लैंड बताऊंगा आपको। अब यूरिया जो बनाता है वो लीवर ही बनाता है, ठीक है, जिस साइकिल के थ्रू, आपको याद क्या रखना है, जिस साइकिल के थ्रू बनाता है उसका नाम क्या है, तो ऑर्निथिन साइकिल है। आपको देखिए यहाँ एक एक लाइन में देखिए इंपॉर्टेंट आपको मिल रहा है, ठीक है, पहला जो ये वेट है ये UP SSSC के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UP SSSC में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, साइंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते हैं, या पूरा पूरा फैक्ट दे देगा आपको, ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन का मास पूछ देता है, प्रोटॉन का मास पूछ देता है, ठीक है, चार्ज पूछ देता है, तो जो फैक्ट वाली चीज है, जो न्यूमेरिकल डिजिट है, वो भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, वो UP SSSC में आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर साइंस के, अगर आपको वो 25 क्वेश्चन जो स्पेशल होते हैं साइंस के आ रहे हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन एग्जैक्ट वैल्यू पे देना ही देना है उनको है। अब देखिए वेट 1.5 किलो से 2.5 किलो होता है, ठीक है, यूरिया मेक्स बाई ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है, और एंजाइम जो यूरिएज एंजाइम जो है उसमें मदद करता है। लीवर रिलीज 2 प्रोटीन, लीवर देखिए 2 प्रोटीन रिलीज करता है, हिपेरिन और फाइब्रिनोजेन, तो आपको ये दोनों देखिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि हिपेरिन का काम क्या है और फाइब्रिनोजेन का काम है, ठीक है, हिपेरिन और फाइब्रिनोजेन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फाइब्रिनोजेन तो पहली चीज ये ध्यान दीजिएगा, आउटसाइड बॉडी, अभी मैं समझाता हूँ क्यों मैं लिख रहा हूँ, ऐसे याद कराने के लिए आपको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी याद हो जाएगा आपको, इनसाइड हिपेरिन इनसाइड और फाइब्रिनोजन आउटसाइड। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे आपको चोट लग जाती है, ठीक है, तो ये देखिए क्या करता है, ये काम करता है ब्लड क्लॉट
क्लॉट कराने में। आपको बस इतना ध्यान देना है कि फाइब्रिनोजेन हमारी जो मदद करता है ब्लड क्लॉट कराने में, लेकिन कहाँ, शरीर के बाहरी हिस्सों पे। जैसे आप गिरे, आपको यहाँ चोट लग गई, अब क्या करेगा फाइब्रिनोजेन, क्या करेगा? देखिए, आपको जैसे ये चोट लग गई, ठीक है, ये चोट लग गई आपको, फाइब्रिनोजेन मतलब फाइबर, मान लीजिए ऐसे याद करने का तरीका सब बता रहा हूँ, ये फाइबर की तरह ये ऐसे आपको क्या करेगा, एक वहाँ पे क्या आएगा, क्लॉट करा देगा, पपड़ी जमा देगा, ठीक है, ये फाइब्रिनोजेन का काम है ये, लेकिन आउटसाइड बॉडी पे, ठीक है। अब आते हैं हिपेरिन इनसाइड, हिपेरिन इनसाइड। अब देखिए यहाँ क्या आता है, हिपेरिन इनसाइड में क्या है, जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें ये मदद करता है, मतलब इसका सीधे इसका डोंट ब्लड क्लॉट। देखिए दोनों का एकदम उल्टा काम है, इसका काम है फाइब्रिनोजेन का ब्लड क्लॉट कराना, हेपरिन का ब्लड क्लॉट ना हो इसके लिए होता है, इसीलिए ये दो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन हमारे अंदर होता है ब्लड में जो होता है, ब्लड हमारा जो फ्लो करता है जो जमता नहीं है, ब्लड अगर जम जाएगा तो इंसान तो मर जाएगा, ठीक है, ब्रेन डैमेज हो जाएगा, क्लॉट कर जाएगा, ठीक है। अब क्या, अगर जो है ब्लड जो है अंदर हमारा जो मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलेशन हो रहा है, वो हिपेरिन की मदद से ही हो रहा है, क्योंकि ब्लड क्लॉट होने नहीं देता है, और फाइब्रिनोजेन हमारे बॉडी के बाहरी भागों में क्या करें, ब्लड क्लॉट होने में मदद करता है, ठीक है, जिससे खून बहना हमारा बंद हो सके, ये मेन डिफरेंस है। तो इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ अगर किसी को डाउट हो तो भैया बताइए, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कूफर सेल्स कहाँ फाउंड होते हैं, तो बस ये याद रखिए आप, कूफर सेल्स आर फाउंड इन लीवर, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये डेड आरबीसीज को निकालते हैं, ठीक है, तो बस ये याद रखना, कूफर सेल्स आर फाउंड इन लीवर, बस आपको ये ध्यान देना है, कूफर सेल्स आर फाउंड इन लीवर, ये आपको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। लीवर वेट 1.5 किलो से 2.5 किलो, मेक्स बाय ऑर्निथिन साइकिल यूरिया, और लीवर में दो प्रोटीन होते हैं, हिपेरिन और फाइब्रिनोजेन। हिपेरिन इनसाइड बॉडी होता है, जो कि हमारे बॉडी जो सर्कुलेशन होता है उसमें मदद करता है, ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है। फाइब्रिनोजेन हमारे बॉडी के बाहर होता है, जो कि ब्लड क्लॉट जो है करने में मदद करता है। कूफर सेल्स आर फाउंड इन लीवर, लीवर में कूफर सेल्स पाए जाते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड की बात आती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडो मतलब अंदर वाला, सीधा पैसे याद रखिए, इसका एग्जांपल एक थायराइड है। जब मैं ग्लैंड एंड हार्मोन्स आपको पढ़ाऊंगा तब मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान दीजिए। एंडोक्राइन ग्लैंड ये पूछा हुआ एग्जाम में, इनमें से कौन सा है, तो थायराइड है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी रिलीज करता है, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंडोक्राइन ग्लैंड हमेशा हमेशा क्या रिलीज करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा, ये आपको ध्यान देना, बस छोटी सी चीज आपको ये ध्यान देनी है। एंडोक्राइन ग्लैंड आपका जो रिलीज करेगा वो हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है, ये आप एकदम आपको दिमाग में बैठ भी गया होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड आपको हार्मोन रिलीज करता है, अब इसका काम क्या है, ये सीधे हमारे ब्लड में जाके क्या होता है, मिक्स हो जाता है, हमारे सीधे ये ब्लड में मिक्स होता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करेगा हार्मोन, और हार्मोन हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है, बस आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ से बस आपके ये क्वेश्चन उठ रहे हैं, यहाँ पे जब मैं आपको ग्लैंड एंड हार्मोन पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा। एंडोक्राइन ग्लैंड आपको हार्मोन रिलीज करेगा ब्लड, क्योंकि अभी आपका इसका यूज होगा, जब मैं पेनक्रियाज का पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो मैं अभी आपको कैसे मैं रिलेट करता हूँ इसको, ठीक है। तो बताइए, किसी को दिक्कत हो तो बताइए भैया, फिर मैं आगे बढ़ूँ, बताइए बताइए भैया, चलिए फिर मैं आगे बढ़ूं, कमेंट करिए आप सभी, समझ में आया या नहीं ये भी बताइए। चलिए फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, लीवर के बारे में आप सभी ने देखा, अब आते हैं पेनक्रियास के बारे में। लोकेशन मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है, लोकेशन तो पेनक्रियास की आप सभी ने देख लिया, अब आते हैं क्या पेनक्रियास के बारे में। सबसे पहली चीज़ याद रखनी है, पेनक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ये क्या है, ये बिग्स ग्लैंड है,
ठीक है, ये मिक्स ग्लैंड कही जाती है। ठीक है, इसमें जो है दो पार्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता सिर्फ ये एंडो है या एक्सो है, ये दोनों है, मिक्स है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, मिक्स है। हार्मोन रिलीज करता है एंडोक्राइन, देखिए मैंने बताया था ना, आगे बताऊंगा। तो जो एंडोक्राइन है वो हार्मोन रिलीज करता है, मैंने आपको ये समझाया भी था अभी। वो तीन हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन। ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना। एक्सोक्राइन तो मैंने बताया क्या लीवर होता है, इसमें छोड़िए, ये मिक्स ग्लैंड, एंडोक्राइन की बात चलती है। एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा रिलीज कर रहा है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन। ये कहाँ से हो रहा है, ये पेनक्रियाज से हो रहा है। पेनक्रियाज में कहाँ से हो रहा है, पेनक्रियाज में कहाँ से हो रहा है, स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। ये आपको ध्यान देना है, ये जो तीनों हार्मोन जो रिलीज हो रहा है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन, ये तो पेनक्रियास के एंडोक्राइन से हो रहा है, मतलब एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड से हो रहा है। और ये किससे हो रहा है, किसके किस जगह से, तो इसको जिस जगह से होते उसे कहते हैं स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पहले आप इसके बारे में देख लीजिए। चलिए आप यहां देखिए, ठीक है, स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आप देखिए ये सारी चीजें हैं। मैंने बताया था ये स्टमक है, ये वाले पोर्शन, इसके पास में मैंने बताया था पेनक्रियाज है। ठीक है, अब देखिए पेनक्रियाज देखिए क्या कर रहा है, ये पेनक्रियाज, इसको जब मैंने इसका डाइसेक्शन निकाला, ठीक है, ये देखिए अंदर वाला क्या हुआ, अंदर वाला एंडो हो गया, बाहर वाला एक्सो हो गया। तो आपको इससे नहीं मतलब है, आपको एंडो लेके चलना है। ठीक है, क्यों लेके चलना बताता हूँ मैं भी। एल्फा सेल, डेल्टा सेल, बीटा सेल, अभी याद कराऊंगा आपको। ये एंडोस रिलीज है, मतलब एक ग्लूकेगॉन रिलीज कर रहा है, एक सोमेटोस्टेटिन और एक इंसुलिन। अब आपको देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है पहला इंसुलिन। अब इंसुलिन की बात करते हैं, ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी बताइए, तो इंसुलिन की खोज किया था बेंटिंग एंड बेस्ट ने, ये आपको ध्यान देना है, और मैकलियॉट्स भी थे एक लोग थे। ठीक है, तो आपको बेंटिंग एंड, ठीक है, ये दोनों चीज़ें बेस्ट याद करना, बेंटिंग एंड बेस्ट, इंसुलिन की खोज किया था। इंसुलिन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, देखिए कैसे इंसुलिन देखिए निकलता किस सेल से है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद है, बीटा सेल। बीटा सेल का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कैसे बनता है, बीटा ऐसे बनता है। इसका काम क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है। और मैंने बताया था कि जो ग्लूकोज है जब ज्यादा हो जाता है तो ग्लाइकोजन में चेंज होता है, जब ग्लाइकोजन हमारा एक्सेस होता है तो कहाँ स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, तो आप इसे रिलेट करते रहिए, पूरा याद हो जाएगा भाई, रिलेट करते रहिए बस। ठीक है, इंसुलिन पेनक्रियास के स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यहाँ देखिए जो मैं नाम लिया हूँ, यहाँ से ये तीनों जो है रिलीज होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, ये होता है आपका, ये तीनों रिलीज करता है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन, ये पेनक्रियाज में पाया जाता है। यहाँ से बीटा सेल से इंसुलिन निकल रहा है और अल्फा सेल से क्या निकल रहा है, ग्लूकेगॉन निकल रहा है। ठीक है, ये अल्फा सेल, ठीक है, क्या निकल रहा है, अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन निकल रहा है। ठीक है, ये आप याद रखिए। अब सोमेटोस्टेटिन कहाँ से निकल रहा है, सोमेटोस्टेटिन भैया निकल रहा है डेल्टा सेल से, तो अब ये आपको याद हो गया होगा, सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल से। देखिए काम क्या होता है, जो इंसुलिन का काम है उसका एकदम जस्ट रिवर्स काम है, किसका किसका, अल्फा सेल मतलब ग्लूकेगॉन का। जैसे इंसुलिन है बीटा सेल से निकल, बीटा सेल से निकल रहा है, काम क्या कर रहा है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में। अब ग्लूकेगॉन देखिए क्या करता है, जो अल्फा सेल से निकल रहा है वो करता है ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज में, और यहाँ क्या हो रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, तो यही डिफरेंस है मेन। ठीक है, इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इंटू
ग्लूकोज, ये आपको दोनों में याद रखना, किसी एक का याद रख लीजिए दूसरा याद हो जाएगा। इंसुलिन का याद रख लीजिए आप, जो लीवर वाला ऊपर मैंने बताया था वही याद रख लीजिए। इंसुलिन का याद करिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, तो ग्लूकेजॉन उसका उल्टा हो गया, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करेगा। अब आता है नंबर सोमेटोस्टेटिन का, डेल्टा सेल का आता है, इट एक्टिवेट्स एल्फा एंड बीटा सेल। ये क्या करता है, एल्फा और बीटा सेल को एक्टिवेट्स करता है, इफ हेल्प्स इन, मतलब जो एल्फा और बीटा सेल है उसको एक्टिवेट में ही मदद करता है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। और क्या करता है, एसिमिलेशन में, मैंने बोला था ना जो एब्जॉर्प्शन जब होता है, ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन होता है जब उस एनर्जी का यूज किया जाता है, हम सभी जब उसका यूज करते हैं तो उसमें कौन मदद करता है, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए एक और मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ऐसे आप याद रख लीजिए, आईबी का पेपर आप लोगों ने दिया होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो, और नहीं भी दिया होगा तो याद हो या इतना तो पता होगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब इंसुलिन बीटा सेल, ठीक है, ये याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है आईबी। दूसरा आता है ग्लूकेगॉन एल्फा सेल, जनरल अवेयरनेस जीए, ठीक है, या जनरल एप्टीट्यूड, कुछ भी आप जीए से याद कर लीजिए, ग्लूकेगॉन एल्फा सेल। तीसरा नंबर है सोमेटोस्टेटिन, एस एस सी याद कर लीजिए आपको, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐसे याद कर लीजिए ना, ये एस है तो एस को इसको डेल्टा समझ लीजिए आप, ऐसे सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कोई आपको नहीं करनी होगी, ठीक है। इंसुलिन बीटा सेल मतलब आई बी, ग्लूकेगॉन एल्फा सेल मतलब जी ए, ग्लूकेगॉन एल्फा सेल, सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल मतलब सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल, एस एस सी, ऐसे याद कर लीजिए आप, ठीक है। बताइए किसी को डाउट हो तो बताइए भाई, फिर मैं आगे बताऊँ, रिप्लाई करिए जल्दी, थोड़ा सा बचा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर ये कंप्लीट ही होने वाला है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पढ़ाया हूँ इसको, आप लोगों को खुद एहसास होगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे इससे, ठीक है। अभी तो कोई पेपर हो नहीं रहा है लेकिन होगा, जल्दी ही होने वाला है पेपर, ठीक है, जल्दी पेपर होने वाला है, वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं, ठीक है। जितना भी लेट हो रहा है थोड़ा मोड़ा होगा लेकिन पेपर तो होगा ही भाई, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जॉब तो भाई लेनी ही है, हम सभी को इसी से तो मतलब है, मुझे आपको दिलानी है और आपको लेनी है, ठीक है। तो आप सभी बढ़िया से पढ़िए और एग्ज़ाम को क्रैक करिए, ठीक है। बताइए डाउट हो तो भाई कमेंट करिए आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट कर दीजिएगा भैया, आगे बढ़ता हूँ मैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पे आपको छोटी सी चीज़ एक बतानी है। देखिए बेंटिंग एंड बेस्ट मैंने बता ही दिया आपको ये। अब देखिए डायबिटीज़ होता क्यों है, डायबिटीज़ क्यों होता है जानते क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ना मतलब क्या हुआ, इंसुलिन का लेवल क्या होना, घटना। ये तो भाई अब तो आप तो ज़्यादातर लोग इसी जानते होंगे कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन का लेवल घट जाता है। ये तो आपको ज़्यादातर लोग जानते होंगे, ये तो अंडरस्टूड है पहले से, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि इंसुलिन जो है ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। ग्लूकोज को देखिए मैंने बताया ना इंसुलिन का काम क्या क्या होता है, ये ग्लूकोज को तुरंत चेंज करता है किसमें, जो एक्स्ट्रा होता है ग्लाइको, जो कि ज़्यादा होकर स्टोर हो जाता है लीवर में, ठीक है, ये बाद में एनर्जी देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज किया मतलब ग्लूकोज के मात्रा को बैलेंस करना क्या काम है इसका, इसका यही काम है। तो जब भाई इंसुलिन काम अच्छे से नहीं करेगा, जब इंसुलिन अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारा ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ग्लूकोज तो भाई ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं डायबिटीज़। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम्स में कि मधुमेह है, इसी को कहते हैं मधुमेह। मधुमेह क्या होता है, ये हमारे पेनक्रियास के बीटा सेल के कम
सिक्रेशन से के कारण होता है, मतलब बीटा सेल जब इंसुलिन कम रिलीज करेगा, मतलब विकार कहाँ होता है, मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, बीटा सेल के पेनक्रियास के बीटा सेल के, मतलब इजलेट्स ऑफ लैंगरहंस के बीटा सेल में जब प्रॉब्लम आती है तो इंसुलिन कम बनेगा, जिससे मधुमेह रोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इंसुलिन जब कम बनेगा तो ग्लूकोज का मात्रा बढ़ेगा, जिससे इंसुलिन होता है। अब देखिए, दो तरह के जो है डायबिटीज होते हैं, ये एग्जाम पूछा गया है कि मधुमेह इनमें से किसके कारण होता है, ठीक है, किसकी अधिकता के कारण, तो ग्लूकोज या कुछ भी चार ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। पहला डायबिटीज मेलिटस, हाई शुगर लेवल। दूसरा डायबिटीज इनसिपिडस, ठीक है, किडनी डू नॉट स्टोर वाटर, मतलब जो शुगर मतलब ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ जाता है वो क्या होता है, वो मेलिटस में आता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस में क्या होता है, किडनी जो है वाटर स्टोर नहीं कर पाती, इसीलिए आप देखते होंगे यूरिनेशन ज़्यादा होती है, कुछ शुगर पेशेंट्स को यूरिनेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो यूरिनेशन बार बार होता है, जैसे यूरिन बार बार आदमी जाता है या इंसान बार बार जा रहा है जब यूरिनेशन के लिए, तो वही क्या होता है, वो होता है डायबिटीज इंसिपिडस, ये आप ध्यान दीजिएगा। डायबिटीज इंसिपिडस में किडनी वाटर स्टोर नहीं कर पाता, जिससे बार बार यूरिनेशन होता है, ठीक है, यूरिनेशन बार बार होता है। डायबिटीज मेलिटस में हाई शुगर लेवल, ये आपको यहाँ ध्यान देना है, ठीक है, शुगर का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। बताइए भाई, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट करिए जल्दी, थोड़ा सा टॉपिक बचा है वो भी आपको कंप्लीट कर दूं, फिर मैं आपको कल लेकर आऊंगा एमसीक्यू, इस पूरे चैप्टर का एमसीक्यू लेकर आऊंगा, और स्पेशल क्लास का मेरा एमसीक्यू रेंडम अलग होगा, स्पेशल क्लास में मैं रेंडम एमसीक्यूज कराऊंगा 3-4 टॉपिक्स के, और कल जो मैं आपको कराऊंगा ये सिर्फ मैं इसी पे एमसीक्यूज कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आप यहाँ तक बताइए, आपको क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। चलिए आगे देखते हैं, अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन, बाकी तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। आपका देखिए क्या क्या होगा, यहाँ एक बार देख लेते हैं, आपका मैंने माउथ देख लिया, माउथ में किसका डाइजेशन देखा था हमने, कार्बो का मतलब कार्बोहाइड्रेट का, फिर हमने स्टमक देखा, इसमें किसका देखा हमने, प्रोटीन का देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा, यहाँ पे किसका देखा, कार्बो फैट और प्रोटीन तीनों का देखा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में तो आपको पता है ये पानी का सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये हमारा पार्ट सब क्या बचा, ये बचा, और इसमें हमने एक चीज़ और देख लिया, हमने लीवर भी यहाँ देख लिया पूरा, हमने लीवर भी देख लिया, और आपका क्या देख लिया, पेनक्रियाज भी देख लिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मेडिकल की तैयारी आप नहीं कर रहे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं सब सारी चीज़ें मैं इसमें आपको डाला हूँ, ठीक है। एक चीज़ छोटी सी चीज़ छूट गई है, वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पूछा जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, ये 1.5 मीटर होती है, उसी तरह पीछे एक चीज़ आपसे छूट गई है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, ये आपकी जो है कोई बता सकता है तो भैया बता दो, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है बताइए, ठीक है। तो मैं ये बता देता हूँ, ये होती है 7.5 मीटर, इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है तो बड़ा है 7.5 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन है तो छोटा है 1.5 मीटर, ऐसे आपको याद हो जाएगा, चीज़ों आपको याद करके एग्जाम में सही करने से मतलब है, ठीक है। तो आपको साम दाम दंड भेद जैसे भी हो आपको याद कर लीजिए उसको, ठीक है, जो भी आपको ट्रिक लगाना हो जो भी समझना हो, बस आपको क्वेश्चन सही करने से मतलब है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर होता है, मतलब बड़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन नाम भाई बड़ा है तो 1.5 मीटर छोटा वाला ऑप्शन, और स्मॉल इंटेस्टाइन है तो बड़ा वाला ऑप्शन 7.5 मीटर, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पीछे भी ये आपको छूट गया था स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन इसका काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ई कोली का यहाँ पे जो है ग्रोथ होता है, मतलब इस रेरिचिया कोली, एक ये होता है आपका बैक्टीरिया, यहाँ पे इसका क्या होता है ग्रोथ होता है। ये एग्जाम में आपके अभी जस्ट आया था, किसमें ये आया था लोअर, जो अभी एग्जाम हुआ था सबॉर्डिनेट का, सबॉर्डिनेट का जो एग्जाम हुआ था अभी लेटेस्ट UP SSSC वाला, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा था ई कोली इनमें से कहाँ पे पाया जाता है। तो आपको बड़ी आंत मारनी है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है ऑप्शन में उसमें टिक मारना था, ठीक है। तो ई कोली, इस रेरिचिया कोली इतना लंबा नाम नहीं आता, ई कोली ही आता है, ठीक है। अब आपको ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका काम क्या है, ये क्या मदद करता है या क्या करता है। तो ई कोली आपका फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के, ठीक है, विटामिन के फॉर्मेशन में ये क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। बस आपको ये आपको अंडरस्टूड एकदम होना चाहिए कि ई कोली हमारे कहाँ पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मदद कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के, बस आपको ये ध्यान देना है। यहाँ पे आप डायग्राम भी यहाँ देख ही रहे होंगे कि भैया ये देखिए आपका क्या है, जो मैंने बताया था ये वाला पोर्शन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यही आपका जो है पोर्शन ये बना हुआ है, ठीक है। यहीं पे आपका कोलन होता है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। अब वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का आपने नाम सुना होगा, वो सीकम के थ्रू होता है, मैं अभी आगे वो दिखा देता हूँ, इसका काम क्या होता है वो भी बताता हूँ अभी आपको। मैं पहली चीज तो इसका देख लीजिए क्या होता था कि देखिए आप सभी सुने होंगे कि अपेंडिक्स की दर्द जो है किसी को होने लगती है, वो क्यों होता है, क्या होता है कि धीरे धीरे जो है वो सड़न उसमें होने लगती है, या उसमें जैसे मान लीजिए कोई कुछ चीज जाके वो उसमें भोजन जो है जब चला गया बाई चांस, ठीक है, धीरे धीरे वो क्या होता है, वो स्वेल कर जाता है। तो स्वेल जब कर जाता है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है सीकम का, इससे एक ये जुड़ा होता है, ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इससे जुड़ा होता है। क्या होता है जब ये स्वेल कर जाता है, ऐसे स्वेल कर गया ऐसे, तो डॉक्टर क्या करते हैं इसको कट कर देते हैं, ठीक है। इसका कारण तो भी पता नहीं चल पाया कि क्यों होता है, लेकिन ये हो जाता है लोगों को, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है, ये हो जाता है। तो अब जब स्वेल कर तो डॉक्टर इसको कट कर देते, तो इसी को कहते हैं क्या, जो स्वेल कर जाता है अपेंडिसाइटिस, जो ये स्वेल करता है इसी को कहा जाता है अपेंडिसाइटिस, ठीक है, अपेंडिसाइटिस इसी को कहा जाता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, अपेंडिसाइटिस कहा जाता है किसको, जो ये स्वेल कर जाता है तो उसी को अपेंडिसाइटिस, डॉक्टर जो काट के निकाल देते हैं वो पूरा प्रोसेस क्या अपेंडिसाइटिस होता है, जो ये स्वेल कर जाता है, तो कहते हैं लोग कि भाई अपेंडिक्स हो गया, ठीक है। तो अपेंडिसाइटिस, अब ये सीकम जो होता है इससे जुड़ा रहता है, ठीक है। ये क्या होता था पहले, यूज होता था पहले, क्योंकि ये जो लोग सेलुलोज खाते हैं, ठीक है, जो सेलुलोज जो खाते हैं जैसे जानवरों में इसका ये यूज है, ठीक है, जानवरों में सेलुलोज का जो पाचन होता है वो ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ही जो है इसकी मदद से ही होता है, ठीक है। लेकिन इंसान तो भाई सेलुलोज पचा नहीं पाएगा, ठीक है, इसलिए ये इंसान में अब किसी काम का नहीं रह गया, इसीलिए इसको काट के निकाल देते तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज का पाचन करता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो होता है, सेलुलोज का पाचन करता है ये जानवरों में जो है, जैसे आपको गाय हो गया, ठीक है, रैबिट हो गया, ठीक है, खरगोश, तो इन सब में आपको बकरी हो गया तो काम इसमें करता है, लेकिन मनुष्य में ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सेलुलोज का पाचन करता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। यहाँ देखिए, देख लीजिए सीकम का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, देखिए ये जो आपका टॉपिक है यहाँ पे देखिए, ये पोर्शन आपका क्या है, सीकम है, ये पोर्शन देखिए आपका सीकम है, ठीक है। इससे देखिए एक ये फिंगर लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर निकला, यही होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जिसके स्वेलिंग को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। देखिए इसको यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर इसका सीकम है, सीकम देखिए, ये सीकम से देखिए क्या जुड़ा है, अपेंडिक्स यहाँ देखिए जुड़ा हुआ है, तो यही आपका जो है ये अपेंडिसाइटिस होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो तो भाई मैसेज करिए, कमेंट कर दीजिए तुरंत, और अगर किसी को डाउट हो, ठीक है, अगर किसी को प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो, किसी को कोई डाउट हो तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप इससे इस पे मुझसे जुड़ सकते हैं, या फिर आप इस पे मुझसे अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर
करा दूंगा, ठीक है? आपको हर टॉपिक का पीडीएफ प्रोवाइड मैं करा दूंगा। आप इस पे मुझे अपने नाम के साथ मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ग्रुप में ऐड करके आप जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सारे पीडीएफ्स मैं आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? तो ये नंबर आप मेरा नोट कर लीजिए, 9415143517, ठीक है? तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप इस पे कमेंट भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ठीक है? और आप अपनी जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है, वो पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं ग्रुप में ऐड भी कर देता हूँ आपको, नाम के साथ आप मैसेज कर दीजिएगा। तो आप क्या होगा, पीडीएफ या जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होंगे मैं आपको भेजता रहूँगा, ठीक है? तो चलिए, ये आपका टॉपिक आज यहीं पे समाप्त हुआ, ठीक है? तो भाई थैंक यू आप सभी को, ठीक है? तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ, और एक छोटी सी चीज़ एक बार और आपको तकलीफ दूंगा, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में। और मेरा ये कोड ज़रूर यूज़ करिएगा जब भी प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, सुशांत01, 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा तुरंत। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है? वीडियो को भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और भाई जो यहाँ लिखा हुआ है, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, मतलब आपको बेल आइकन वहाँ दिया रहता है, घंटी ऐसे बनी रहती है, आप उसको जो है ऐसे दबा देंगे तो क्या होगा, जब भी मेरा क्लास आना होगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत वहाँ पहुँच जाएगा। ओके, ठीक है? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ, ठीक है भैया? धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ठीक है? आप सभी मस्त रहिए, मज़े में रहिए, चलिए बाय।